नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह, और आइए आज के तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीआरपीएफ 72 बटालियन में लगाया गया मेडिकल कैंप। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में आयुष विभाग राजौरी की तरफ से सुंदरबनी सीआरपीएफ 72 बटालियन में लगाया गया मेडिकल कैंप। बटालियन में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 330 लोगों का स्वास्थ्य की जांच की गई, दवाइयां वितरित की गई। कैंप का आयोजन आयुष विभाग के गाइडलाइन के मुताबिक किया गया, और जवानों को अधिकारी को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए दवाइयां, योग की जानकारी और शारीरिक साफ सफाई के बारे में बताया गया। सीआरपीएफ की 72 बटालियन के कमांडेंट सुनील कुमार यादव ने आयुष विभाग की टीम का स्वागत किया एवं उनका धन्यवाद किया। डॉक्टर भारत भूषण, जिला संयोजक आयुष विभाग, ने योग एवं आयुष विभाग की गाइड लाइन के बारे में अधिकारियों और जवानों को अवगत कराया। इस अवसर पर आयुष विभाग की तरफ से डॉक्टर राजन शर्मा, मेडिकल ऑफिसर देवेंद्र कुमार शर्मा, सुपरवाइजरी फार्मासिस्ट, सीआरपीएफ के अधिकारी एवं जवान उपस्थित रहे। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने आयुष विभाग के अनुरोध किया है कि भविष्य में भी इन दवाइयों की सप्लाई दी जाए, ताकि हमारे जवान स्वस्थ रह सके, कोरोना की इस महामारी में अपने शरीर की क्षमता को बनाए रखे। देखिए सुंदरबनी से सिट्टू सिंह की रिपोर्ट। आयुष मंत्रालय की तरफ से और J&K में आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से, और डॉक्टर हमारे मोहन सिंह जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे इम्यूनो बूस्टर मेडिसिंस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि ये हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो हमेशा हमारे साथ, हमारे लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। ख़ास तौर पर हमने हमारे जो सेना के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, जिन लोगों को रेगुलरली एक्सपोजर रहता है समाज के साथ, और हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, हमारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, और इनको एक्सपोजर का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी कड़ी के तहत आज जहाँ पे हम लोग आए हैं, और हमें एक बहुत अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट मिला, और यहाँ पे जितने भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हमारे मंत्रालय द्वारा हमें यहाँ पे बताने थे, वो ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे ऑलरेडी फॉलो किए जा रहे थे। इससे हमें बहुत अच्छी खुशी हमें महसूस हुई है। सर, हम इनको यही संदेश देंगे, क्योंकि ड्यूटी तो हम लोगों ने करनी है, उसके साथ साथ हम अपने एहतियात बरतेंगे, अपने परहेज करेंगे, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, अपने फिजिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे, और इसके साथ साथ हमारे जो शारीरिक, मानसिक और सोशल जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमने इसको नुस्खे बताए भी हैं, और हम कह रहे हैं कि आप अपने आप को इतना हेल्दी रखिए ताकि हम मिलजुल के इस देश को आगे बढ़ा सकें। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मनाया स्थापना दिवस। जी हां, यूपी के बदायूं जिला के नगर बिलसी में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय बजरंग दल के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरण कर द्वितीय स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया एवं विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ कर प्रसाद वितरण किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष शुभम शर्मा ने कहा कि हिंदुओं के लिए सुरक्षा, सम्मान एवं रोजगार की मांग करते हुए युवाओं को संगठन से जोड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों की प्रेरणा लेकर हिंदू समाज, संस्कृति एवं अखंड भारत का सपना पूरा करने के लिए संकल्प ले। इस मौके पर ब्रजेश शर्मा, विक्की कश्यप, किशन कश्यप, गुरु शर्मा, प्रलव वाष्णेय, अमनदीप, शुभम शर्मा उपाध्याय, सोनू श्रीवास्तव, मृदुल शर्मा, शिवांग दीक्षित, प्रशांत सागर आदि लोग मौजूद रहे। देखिए बिलसी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। लक्ष्य में हम लोग यहाँ पर प्रसाद वितरण के कार्यक्रम में सभी बजरंगी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन, पूर्व विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने विश्व हिंदू परिषद से अलग होकर के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नामक संगठन हिंदुओं का संगठन करने के लिए स्थापित किया था दिल्ली श्री फोर्ट स्टेडियम में। हमारी प्रमुख मांगे हिंदुओं की मान, सुरक्षा, सम्मान तीनों, हिंदुओं को रोजगार भी, सुरक्षा भी और सम्मान भी, तीनों चीज़ों के साथ जोड़ने के लिए डॉक्टर प्रणव भाई तोगड़िया जी ने इस संगठन का निर्माण किया था। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय बजरंग दल के आप कार्यकर्ता हैं और जिला उपाध्यक्ष भी हैं, तो हिंदुओं के लिए जो हिंदू संगठन है उनके लिए इधर उधर जो लोग उसको घड़ रहे हैं और युवा पीढ़ी जो है भटक रही है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा संदेश युवा पीढ़ी से बस इतना ही है कि हर व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह अगर उठ करके खड़ा हो गया, तो ये भारत, जो अखंड भारत का सपना हम लोग देखते हैं,
वो अखंड भारत का सपना पूर्ण होने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अकेले खड़े होकर उस समय का सबसे बड़ा अंपायर हुआ करता था औरंगजेब का मुगल अंपायर, उनके सामने एक छोटे से राज्य की स्थापना की और स्थापना ऐसी स्थापना जिसे हिंदवी स्वराज्य के नाम से जाना गया और आज पूरे देश में पूरी दुनिया में आज छत्रपति शिवाजी महाराज को एक आदर्श के रूप में हम लोग मानते हैं। तो इसका उद्देश्य केवल यही है कि उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का जो सपना था वो उन्होंने पूर्ण किया। इसी रूप से हम लोग हिंदू संगठन से जुड़ करके और अच्छे अच्छे कार्यों को करके हिंदुओं को संगठित करके एक बहुत बड़ी ताकत अपनी खड़ी करके और अखंड भारत का सपना पूर्ण करने के लिए हिंदवी स्वराज्य का सपना। ये था अभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब के जिला फिरोजपुर में छुड़ाया जाता है नशा, सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टर सुनील ठक्कर। ठक्कर हॉस्पिटल नशा छुड़ाओ केंद्र, यहाँ पर हर प्रकार की बीमारी खासकर दिल की बीमारी, मासिक बीमारी का इलाज भी किया जाता है और हर तरह का नशा भी छुड़ाया जाता है। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 घंटा सर्विस दे रहा है। ठक्कर हॉस्पिटल माल रोड अगरसैन चौक फिरोजपुर, मोबाइल नंबर 7009302301 0162351 2301। हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर सैफाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह एडवोकेट, निवासी रायचंद्र पट्टी प्रतापगढ़। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों पर। कोविड 19 केयर हेल्प डेस्क शुरू। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिला में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिनांक 24/6/2020 को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशानुसार जनपद के पुलिस लाइन, मुख्य गेट व समस्त थानों पर कोविड 19 केयर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया, जिसमें थानों पर आने वाले आंगुतकों एवं पुलिस कर्मियों को कोविड 19 के संक्रमण से बचाव हेतु जानकारी देने के साथ साथ ड्यूटीरत कर्मियों को सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, मास्क, ग्लव्स आदि उपलब्ध कराना है तथा जनपद में तैनात पुलिसकर्मी आवश्यकतानुसार कोविड 19 केयर हेल्प डेस्क से जरूरी सामान ले सकेंगे। कोरोना संदेह व संक्रमण की स्थिति में प्रारंभिक जांच भी करा सकेंगे। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय व पुलिस लाइन में आने वाले फरियादियों के लिए थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मास्क आदि की व्यवस्था कोविड 19 के हेल्प डेस्क पर उपलब्ध कराई गई है। अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय द्वारा थाना ओबरा पर स्थापित कोविड 19 के केयर हेल्प डेस्क को जायजा लेते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देखिए सोनभद्र से अशोक चौबे की रिपोर्ट। लेकिन कुछ प्रिकॉशन आप दे सकते हैं, मैदानी वाला जो लाता है आपको बाहर काटने से उड़ाने के लिए, उस कपड़े को पुराना बंद कर दीजिए और भैया तुम अपने पास रखो, अपना कर लिया अपने सामने तो तीन बार सैनिटाइजर से साफ करा लीजिए। आप सांस को अपने फेफड़े में कितने सेकेंड रोक सकते हैं, सबसे जरूरी चीज है मैं बता रहा हूँ आपको। जिस दिन आप कहेंगे कि मैंने सांस रोकने का प्रयास किया और सांस नहीं रुकी, इसका मतलब मुझे कहीं क्या बुखार आए चलना है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा। बेटी की शादी के लिए रखे पैसा हुआ गबन, मां की हुई मौत। जी हां, यूपी के गोंडा जिले के भंभुआ थाना कर्नलगंज के ग्राम पंचायत नकार निवासी हनुमान प्रसाद पांडे ने अपनी पुत्री सुशीला देवी 40 वर्ष का इलाहाबाद बैंक की शाखा भंभुआ के निकट तालेपुरवा में बीसी संचालक विनोद कुमार गौतम के द्वारा बचत खाता खुलवाया था। विगत दिनों महिला अपने खाते में 50,000 रुपये जमा किए थे, जबकि बीसी संचालक द्वारा ग्राहकों के करोड़ों रुपए गबन करके फरार हो जाने की सूचना महिला को मिली तो उसने अपना खाता तथा अपने पुत्र की दीनदयाल का खाता इलाहाबाद बैंक कर्नलगंज में चेक करवाया तो उसे पता चला कि उसके पुत्र दीनदयाल के खाते में 16,000 रुपए तथा मृतिका सुशीला देवी के खाते में 50,000 रुपए गायब है, जिसमें महिला को सदमा आ गया और उसकी तबियत अचानक बिगड़ गई और फिर उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान बुधवार की सुबह उसकी मौत हो गई। मृतिका के पति ने बताया कि घर में बेटी की होनी है जिसके लिए पैसे जमा किए गए थे। महिला की अचानक मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। देखिए गोंडा से श्रवण कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बच्चे
जाओ तू पहले जाओ क्या नाम है आपका? आपका हनुमान नाम है हनुमान। कहाँ पे आपका घर पड़ता है? नकार। नकार है। क्या मामला हुआ आपके साथ? पासबुक पे सुशीला के पासबुक पर रुपया 50,000। सुशीला? हाँ। कौन है सुशीला आपकी? औरत। अच्छा, कहाँ पर पैसा क्या हुआ? भंभुआ बैंक। हाँ। शाखा इलाहाबाद। जी जी। और विनोद के बीसी। विनोद के यहाँ पैसा आपने जमा किया है? हाँ। रसीद दिन पासबुक पर 50,000 रुपये की रसीद है आपके पास? हाँ रसीद है। रसीद लाइए। पासबुक पर ही चढ़ा है और निकाले गए तो कहीं यहाँ ही नहीं है। क्या बताया उन्होंने? वो बैंक वाले तो कहें नेट पर है तो उन्हें जिम्मेदार हैं ना। हाँ। रसीद वाले के जिम्मेदार ही नहीं है। अच्छा, मतलब 50,000 रुपये आपका बैंक में नहीं शो कर रहा है? अच्छा, मतलब से हमरे सुशीला के का सुनिंदे रुपये रुपये जपत जपत बस बोल बंद हो गया। अच्छा, मृत्यु हो चुकी। मतलब इनकी तबीयत कुछ गड़बड़ थी? बस वह बैंक का गई चेक करे रुपया, मतलब सदमे में आ गई। मतलब इनका जो पैसा गायब हुआ बस इससे मतलब इनको सदमा लग गया। कहाँ ले गए? कहाँ कहीं ले गए आप? अब बैंक का ले गए चेक हुआ, उसके बाद में उनका जब होएगा तब अस्पताल ले गए। अच्छा, अस्पताल में यहाँ डॉक्टर भी बोले कि इनके रुपया का हेडेक सवारी है। बीमारी कोई नहीं है? बीमारी कोई नहीं है। अच्छा, तो मतलब होएगा है अचानक इनके रुपया का मतलब जो दिक्कत आई 50,000 रुपया आपका। हाँ, और कोई? और ये हमारे लड़का खाता खोला ही ना। लड़के का क्या नाम है आपके? दीनदयाल। अच्छा, दीनदयाल। उनके जमा हो चाहिए 20,000 तो बहिरन लगाए। अच्छा, 16,000 देके तब खाता खोलाई ना। 16,000 रुपये यहाँ से जमा किए थे? हाँ, जमा के ना घर से तब खाता खोलाई ना। पासबुक पर तो लिख दी है जी। और नेट पर ना ही है, उसका बताओ था डाटा निकलवा है तो मैं 0,000 पे यहाँ डाटा निकल। मतलब आपका कुल मिला के 66,000 रुपया लेकर के गमन करके वो गायब है? हाँ, गायब। अच्छा, तो मतलब बीसी संचालक का क्या नाम है? विनोद, विनोद कुमार गौतम। हाँ। यही तालेपुरवा? तालेपुरवा। जी जी जी। मतलब आपकी पत्नी की जो मौत का कारण है वही बीसी वो सदमे में आकर के ऐसा हुआ? हाँ जी। अच्छा, सुना है कि आपके वहाँ कोई शादी वादी का प्रोग्राम भी था? हाँ, शादी है यही 28 तारीख का। अच्छा, तो उसी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे होंगे? वही से जमा रहा कि निकाल लेंगे, निकाले गए तो सब भैये नहीं है, सब खत्म। मतलब उसी के सदमे में आकर के उन्होंने ऐसा मतलब प्राण त्याग दिए। मतलब धन्यवाद। मां ने ममता को किया कलंकित। जी हां, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर सिविल अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सिविल अस्पताल में एक कलयुगी मां अपने बेटे में दर्द होने की बहाना लेकर अस्पताल में डॉक्टर के पास उपचार कराने पहुंची। डॉक्टर ने उसको पेट दर्द होने का इंजेक्शन भी लगा दिया, लेकिन मामला कुछ और ही था। सिविल अस्पताल के टॉयलेट में जाकर बच्चे को जन्म देकर गेट बंद कर भाग रही थी, लेकिन महिला का काफी ब्लड जाने से वहां चक्कर खाकर अस्पताल में गिर गई, जिसको लेकर अस्पताल में कर्मचारी तत्काल उपचार के लिए लेबर रूम भेजा और डॉक्टर द्वारा महिला का उपचार किया गया। महिला का सारंगपुर सिविल अस्पताल से साजापुर रेफर कर दिया, वहीं बच्चे का उपचार सारंगपुर के ही अस्पताल में जारी है। डॉक्टर के मुताबिक जानकारी मिली है कि महिला सारंगपुर के पास गांव की रहने वाली थी, जिसने एक नवजात को जन्म दिया और महिला की शिकायत डॉक्टर द्वारा पुलिस थाने में कर दी गई। मामले की जांच की जा रही है। मामले की जानकारी स्थानीय पटवारी आशीष कुमार पांडे की अस्पताल पहुंचे और मामले में जानकारी ली। अब देखना होगा कि माँ के खिलाफ किन धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है। देखे सारंगपुर से मुकेश गोस्वामी की रिपोर्ट। वार्ड बॉय ने शाम को अभी 18:10 पे हॉस्पिटल में सूचना प्राप्त हुई थी, एक नवजात शिशु को बाथरूम में जन्म हुआ है और आईसीयू वार्ड में यहाँ पर इसको रखा गया है। सूचना पर हम लोग वापस उपस्थित होकर उसकी जाँच की जा रही है और स्टेटमेंट करने के बाद बच्चे को यहाँ से आईसीयू वार्ड राजगढ़ के लिए बाल कल्याण समिति से संपर्क करके उसको भेजा जा रहा है और मैं यहाँ पर आया था
उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करके उसके अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जाएगी। सर किन धाराओं के तहत इसमें मामला दर्ज होगा? 317 में अपराध कायम होता है नवजात शिशु को असुरक्षित दिशा में छोड़ना। सर क्या महिला का पता लगा लिया गया? महिला भी कहाँ पर है? महिला का नाम आया है इसमें, मनीषा नाम की लड़की आई थी, चितावत की है, इसको यहाँ पर आईसीयू में लोगों ने भर्ती कराया था, फिर यहाँ से इसको रेफर कर दिया साजापुर हॉस्पिटल, और इसकी जानकारी हॉस्पिटल साजापुर से पता करते हैं वहाँ पहुँची या नहीं। सर अभी तक महिला की ये जानकारी निकल कर सामने आई है वो शादीशुदा थी या फिर कुंवारी थी, क्या अभी ये क्लियर नहीं है? सर जब उसको रेफर कर दिया था तो उसके ऊपर कायमी क्यों होगी सर जी? उसको असुरक्षित अगर बच्चे को छोड़ती है तो अपराध है। ये कन्फर्म है सर कि असुरक्षित छोड़ा था उसने? इसमें छोड़ा था, बाथरूम में बच्चा मिला है। उसने छोड़ा था बाथरूम में ही बच्चा मिला है, हॉस्पिटल ने जो उसको बरामद करके जो सोचना। ठीक ठीक, थैंक यू सर। सर एक वाइट हो जाए, इधर ही ले आओ, अरे यही ले लेंगे। सर अभी सारंगपुर के सिविल अस्पताल में मामला सामने आया, जाए मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है, जब कल की माँ ने अस्पताल में टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया है, क्या कहेंगे सर इस पर पूरे मामले में? भाई देखिए, जन्म तो बच्चा वहाँ पर हमको मिला, अभी किसने जन्म दिया ये तो पता नहीं चल रहा है। आपके डॉक्टरों ने स्पष्ट किया था कि वो हमारे पास आई थी और उसे इंजेक्शन लगवाया था और टॉयलेट में गई थी, तो ऐसे कैसे मरीज को अगर डॉक्टर के पास आती तो टॉयलेट में बच्चा हो जाता? ये अभी हमारे पास आईडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है जब आपके डॉक्टर ने कहा कि हमने उसको इंजेक्शन लगाया है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला जाना वो बता रहा हूँ, बच्चा टॉयलेट में पड़ा मिला है, अब वो किसने कहाँ कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म, किसने जन्म दिया, ये अभी क्लियर नहीं। सर ये बात मान लें कि जो डॉक्टरों के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है मीडिया को वो गलत है, आपने दिया वो सही है? ये आपको समझ में आपके यहाँ डिलीवरी हुई है तो आपके स्टाफ क्या कर रहा? टॉयलेट में डिलीवरी हुई, टॉयलेट में डिलीवरी तो अस्पताल परिसर में दाखिल हुई थी, तो कोई तो होगा या जिम्मेदार? सर पूरे वार्ड बॉय वगैरह हॉस्पिटल में ब्लड हुआ है, ब्लड पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वही देख के तो पता चला है। क्या सीसीटीवी फुटेज भी तो लगे हॉस्पिटल में? ये थे अभी की कुछ खास खबर, कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।